इंदौर विधानसभा तीन के सभी लोगों को वैक्सीनेट करने के उद्देश्य से आज भाजपा कार्यालय में विधानसभा तीन के पदाधिकारियों की बैठक प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय और नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे द्वारा ली गई। बैठक में विधानसभा तीन के लोगों को किस तरह पहला डोज लगाया जा सके और वैक्सीनेशन अभियान की रूपरेखा तय की गई है। इंदौर की विधानसभा तीन में अब वैक्सीनेशन का काम तेजी से करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके चलते एक महीने में विधानसभा तीन में सभी व्यक्ति को वैक्सीनेशन लग जाए, ये टारगेट बनाया गया है। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि क्षेत्र के 18 प्लस वाले लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग जाए, जिसके लिए मंडल अध्यक्ष को निर्देश दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा योजनाएं आई हैं, जिसमें निराश्रित बच्चों की जानकारी उपलब्ध की जाए जिनके माता पिता की कोरोना से मौत हो गई है। 1 लाख की राशि देने वाली राज्य सरकार की योजना के तहत लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी ली जाएगी। कुल मिलाकर के आने वाले समय में जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र के सभी लोगों को वैक्सीन लग जाए, हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा कुछ जैसे ऑटोज और वो वाले कैंपेन्स भी चलाएंगे, उसके माध्यम से भी लोगों को घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जानकारी देंगे कि वैक्सीन ज़रूर लगाएं। और इस दौरान जब भी कार्यकर्ता फील्ड पे जाएगा तो विधानसभा तीन में और भी बहुत सारे प्रकल्प चल रहे हैं हमारे। जैसे एक तो हम लोग निःशुल्क ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे रहे हैं, हम लोग भोजन की निःशुल्क व्यवस्था हमने कर रखी है, निःशुल्क कोरोना की जाँच हम लोग कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर निःशुल्क हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, सशुल्क रेमडेसिविर की व्यवस्था अस्पतालों के माध्यम से अगर किसी को रेमडेसिविर की तकलीफ आ रही है तो वो व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। कंट्रोलों पे हमारे लोग, हमने जिम्मेदार लोगों को कहा है कि कंट्रोल वाले ईमानदारी से राशन बांट रहे हैं कि नहीं, ये सुनिश्चित करें। अगर किसी भी गरीब व्यक्ति को राशन नहीं मिल रहा तो पात्रता पर्ची बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो इन सारे फ्रंट्स पे जो मुख्यमंत्री जी की जो दो योजनाएं आई हैं, अगर कोई ऐसा बच्चा दिखता है जिसके माता पिता कोरोना से एक्सपायर हुए हैं तो उसकी सूची ये लोग बना लेंगे इसी दौरान। जब भी सरकार काम करे तो हम लोग ये सुनिश्चित काम उस पर चालू करेगी फील्ड पे, तो हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि यार हमारे क्षेत्र का एक भी बच्चा उस योजना में जो आना चाहिए वो आ तो गया है ना, ये सुनिश्चित करेंगे। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर, सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट, मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर, एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो, मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें, अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। अब देखना ये होगा कि इंदौर में सभी लोगों को कब तक वैक्सीन लग पाती है, क्योंकि कई लोगों को ऑनलाइन स्लॉट बुक करने में अभी भी परेशानियां हो रही है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।